माई सेल्फ गिरिराज चंद अग्रवाल, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए हॉर्नबिल पाठ्य पुस्तक से लेसन ए, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का रूप चित्रण, इसका पार्ट 3 आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कृपया सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। बट देट वॉज नॉट सो ट्रू, तो देखिए इसमें यहां से चालू है, बट देट वॉज नॉट सो, यहां से चालू है, पेज क्रमांक 5 पर है, यहां से पार्ट 3 शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको वर्ड्स मीनिंग्स बता रहा हूं। क्लेश मिस लगाया, रिसाइट दोहरान या पाठन, स्पेरोज गोरिया, चेंज मिस परिवर्तन, नेबरहुड पड़ोस, सेगी स्किन चिकनी खाल, वारियर्स मिस योद्धा, चर्किंग चेहचाहट, फेस्ट लेकर आई, परसुएड मनाया या राजी किया, माइल्ड फीवर हल्का बुखार, डिफरेंटली अलग प्रकार से, प्रोटेस्टेड विरोध किया, पीसफुली शांतिपूर्वक, सस्पेक्ट संदेह करना, रोजरी मिस माला, रोजरी मिस क्या होता है माला, लाइफलेस निर्जीव, क्रम्स टुकड़े, स्वीपर सफाई कर्मचारी, कस्टमरी परंपरा, श्रोड मिस दफन, मोरनी विला, अरेंजमेंट प्रबंध, फनरल दाह संस्कार, स्ट्रेचर सीडी, जिसको यहाँ पर उसका नाम जो यूज किया गया अर्थी के लिए किया गया, ब्लेज चमक, कोर्डियर आंगन, स्केटर बिखर गए, कॉर्प्स लाश या ढेर, डस्टबिन कचरा पात्र। ये जो इसकी वर्ड मीनिंग थी, या तो आप इनको लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। और अब मैं इसका ट्रांसलेशन समझाने जा रहा हूं। तो बट देखिए इसमें क्या दिया है, दादी माँ और लेखक के अपार स्नेह को बताया यहाँ पर, कि दादी माँ किस प्रकार से जब वो विदेश पढ़ने जाता है तो रेलवे स्टेशन में छोड़ने आती है, लेकिन उसे बातें नहीं की, केवल अपनी माला जपती रही और वो उसको रेलवे स्टेशन पर छोड़कर चली गई। लेखक ने सोचा, उसको 5 साल के लिए जाना था, उसे सोचा अब मुझे मेरी दादी के दर्शन नहीं हो पाएंगे, तो इसके लिए बहुत दुखी था वो। अब क्या होता है, बट देट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था, देट वॉज नॉट सो, लेकिन वह ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 ईयर्स आई केम बैक होम, 5 वर्ष बाद मैं घर वापस आया, एंड वॉज मेड बाई हर एट द स्टेशन, और स्टेशन पर मैं उससे मिला, मैं दादी माँ से स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वो एक दिन भी ज्यादा वृद्ध दिखाई नहीं दी, जो पहले थी 5 साल पहले वो को वही इस स्थिति में मुझे दिखाई दी। शी स्टिल हैड नॉट टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी उसके पास बातों के लिए कोई समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैश्ड मी इन हर आर्म, जब उसने मुझे अपने सीने से लगाया, तो आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, उसकी प्रार्थना का वाचन में सुन सकता था। जब उसने मुझे प्यार से गले लगाया, तब भी मैं उसकी जो प्रार्थना थी उसको मैं सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, याद रखी मेरे आने के पहले दिन, जब मैं पहली बार विदेश से घर आया, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर
विद हर स्पोर स्पेरोज, उसकी जो सुखद जो क्षण थे वो किसके साथ थे, अपने जो पक्षी थे जिनको वो दाना चुगाती थी गोरैया, उनके साथ उसने अपना समय बिताया। Whom she fed longer, जिन्हें वो लंबे समय से दाना खिलाती थी। And with frivolous revoke, और हल्की हल्की सी डांट के साथ वो उन्हें खिलाती थी, प्यार से डांटती थी। In the evening a change came over her, शाम के समय उसके अंदर मेरी दादी माँ में थोड़ा सा परिवर्तन आया। She did not pray, उसने प्रार्थना नहीं की। She collected the women of the neighborhood, उसने अपने पड़ोस की या मोहल्ले की महिलाओं को इकट्ठा किया। तो she collected the women of the neighborhood, पड़ोस की महिलाओं को उसने इकट्ठा किया। Got an old drum, एक पुराना सा ढोल प्राप्त किया। And started to sing, और गाना शुरू कर दिया। Started to sing, उसने क्या गाना शुरू कर दिया। For several hours, कई घंटों तक। For several hours, she thumped the sagging skin of the dilapidated drum, जो ड्रम था उसको वो पीटती रही काफी समय तक, ड्रम को वो क्या है बजाती रही। एंड सिंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और उसने जो घर आने वाले योद्धाओं के गीत गाए। सिंग ऑफ द होम कमिंग वॉरियर्स, जो घर आने वाले योद्धा थे उनके बारे में उसने गीत गाए। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप, हमने उसे राजी किया मनाया बंद करने के लिए। टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, तनाव से मुक्त होने के लिए कहा कि तुम उसे बंद करो। डेट वाज द फर्स्ट टाइम, ये उसके लिए पहला समय था। डेट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं जानता था। डेट सी डिड नॉट प्रे, ये उसका पहला दिन था, पहली बार उसे ऐसा हुआ जिस दिन उसने प्रार्थना नहीं की। भाई रोज उसका नियम था पूजा प्रार्थना करना, माला जपना ही उसका काम था, पर उस दिन पहली बार उसने माला नहीं जपी, प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल, वो बीमार पड़ गई। इट वाज ए माइल्ड फीवर, हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमको बताया देन इट वुड गो, कि ये दूर हो जाएगा, यानी दादी का बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी माँ ने कुछ अलग सोचा। हमको लगा डॉक्टर ने कहा कि बुखार चला जाएगा, बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, मेरी दादी माँ ने कुछ अलग सोचा। शी टोल्ड अस, उसने हमको बताया देट हर एंड वाज नियर, उसने बताया हमें कि उसका अंत आ चुका था। शी सेड, उसने कहा देट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, तो शी सेड, उसने कहा कि सिंस ओनली, क्योंकि अब कुछ घंटे ही बचे थे। बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन के का अंतिम अध्याय को समाप्त होने में अब केवल कुछ ही घंटे से, उसे पता लग गया कि मेरी मृत्यु होने वाली है, इसे कहा अब बहुत कम समय बचा है। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की। शी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, उसने हमसे बात करने में ज्यादा समय खराब नहीं किया। तो दोबारा प्रार्थना करने लगी और कहा ज्यादा समय खराब नहीं किया हमसे बात करने में। बी प्रोटेस्टेड, हम सभी ने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारे विरोध को ठुकरा दिया।
अवहेलना की, ध्यान नहीं दिया, उसने हमारे विरोध पर ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, वो चुपचाप शांतिपूर्वक लेटी हुई थी बिस्तर में और प्रार्थना कर रही थी। एंड टेलिंग हर बीड्स, और अपने मोतियों के मन के थे ना माला के, उनको वो घुमा रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यानी हमें संदेह होता उससे पहले, हमें कुछ थोड़ा सा भी शंका होती उससे पहले, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उसके होंठ हिलना बंद हो गए। हर लिप्स स्टॉप मूविंग, हिलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो माला थी वो निर्जीव अंगुलियों से वो क्या है, जमीन पर गिर गई। माला जो थी उसके निर्जीव अंगुलियों से वो जमीन पर गिर गई। तो इस प्रकार से लगा कि मेरी दादी का निधन हो चुका है। ए पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्वक वातावरण छा गया, शांत भाव था उसके चेहरे पर। एंड वी नो दैट शी वाज डेड, और हम जान गए कि शी वाज डेड, वो मर गई, दादी माँ मर गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसे बिस्तर पर से उठाया। एंड एज इज कस्टमरी, जैसा कि परंपरा है, बिस्तर पर से उठाया। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसे जमीन पर लेटा दिया, क्यों मरने वाले व्यक्ति को बिस्तर पर पलंग पर नहीं रखा जाता, उसको जमीन पर लेटाते हैं। तो परंपरा था, हमने भी दादी को जमीन पर लेटाया। लेड हर ऑन द ग्राउंड, जमीन पर लेटाया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड स्रोड, उसे लाल कफन से उसको क्या है, ढक दिया। जमीन पर लेटाकर लाल कफन से उसको क्या है, ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे विलाप करने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उसे अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर द फनरल, फॉर हर फनरल, उसके अंतिम संस्कार के प्रबंध के लिए हमने उसको कुछ देर क्या है, अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम उसके कमरे में गए। विद ए क्रूड स्ट्रक्चर, जो कच्चा जो सीढ़ी थी, इसको अपन अर्थी कहते हैं, लकड़ी की बनी हुई अर्थी थी, उसके साथ उसे कमरे में गए। टू टेक हर टू बी क्रिमिटेड, ताकि उसे उस स्ट्रेचर पर क्या लिटाया जा सके। द सन वाज सेटिंग, सूर्य छिप रहा था। एंड हेड लिट हर रूम, और उसका प्रकाश, उसका कमरा प्रकाशित था। एंड द बरामदा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, तो हर रूम एंड बरामदा, उसका कमरा और बरामदा सुनहरी लाइट की चमक से क्या है, जल रहा था, चमक रहा था। वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम उस आंगन में आधे रास्ते में रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा, पूरे बरामदे में, एंड इन हर रूम, उसके कमरे में। राइट अप टू वेयर सी ले डेड, जहां पर मृत होकर वो लेटी हुई थी। एंड स्टिल स्टिप रेप इन द रेड स्रोड, जो लाल कफन में लिपटी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पेरोज सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों चिड़ियाएं गोरैया फर्श पर बिखरे हुए थे, अनेक हजारों पक्षी उसके आसपास मंडरा रहे थे। देयर वाज नो चर्पिंग, किसी प्रकार की चर्पिंग चहचहाट की आवाज नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने बड़ा दुख महसूस किया पक्षियों के लिए, हमें बड़ा दुख हुआ कि अब इनको खिलाने वाली दादी इस संसार में नहीं रही। एंड माई मदर फेस सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए पक्षियों के कुछ रोटियां लेकर आई। शी ब्रॉक इट इन टू लिटिल क्रम्स, उसने उन रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े किए। द वे माई ग्रांड मदर यूज टू, जिस तरीके से मेरी दादी माँ किया करती थी। शी ब्रॉक देम इन टू लिटिल क्रम्स,
एंड थ्रू इट टू देम, और उसे उन पक्षियों के लिए बिखेर दिया रोटी के टुकड़े ताकि वो खा लेंगे। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। स्पैरोज, देखो पक्षियों में भावना होती है, उनको भी दादी के निधन का दुख हो रहा था। जब मेरी माँ ने रोटी के टुकड़े फिर उनके सामने डाले तो स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन गौरैयाज ने उन रोटी के टुकड़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया। When we carried my mother's corpse off, जब हम मेरी माँ के लाश को दाह संस्कार के लेकर गए, they flew away quietly, चुपचाप उड़ने लगे, वो भी उसके साथ साथ चुपचाप उड़ने लगे। कहाँ पर जा रहे हैं? जहाँ पर हम मेरी दादी को लेकर जा रहे थे अंतिम संस्कार के, पक्षी भी पीछे पीछे चल दिए। Next morning, अगले दिन सुबह, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin। अगले दिन सुबह जो स्वीपर था उसने रोटी के टुकड़ों को डस्टबिन में साफ करके डस्टबिन में डाल दिया। यानी पक्षियों ने भी रोटी के टुकड़ों को नहीं खाया, उन्होंने भी उस महिला के निधन का शोक मनाया। यहां पर मेरा पार्ट कंप्लीट होता है, पार्ट तीन, और इस पार्ट तीन के साथ लेसन एक द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी ये पूरा हुआ। अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, और साथ में यही कहना चाहूंगा कि ये वीडियो जो बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, ताकि विद्यार्थी कभी भी इन वीडियो को अपनी सुविधा के अनुसार घर पर देख सके। अगर आप नहीं देखेंगे तो इस बनाने का कोई फायदा नहीं है, तो प्लीज नियमित रूप से वीडियो देखते रहें, आपके पास भी नियमित आते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों में शेयर करना। धन्यवाद।